यस, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू क्लास ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है सभी का आज फिर से मोस्ट डिमांडेड सेशन के अंदर। वेलकम टू क्लास एंड वेलकम टू योर फेवरेट डेस्टिनेशन, जो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन है, जो आपको सबसे बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करता है और सबसे बेहतर यहां पे आपको ह्यूमैनिटीज के लिए एक ही जगह सारा कंटेंट मिलता है, वो है आपका अपना अन अकेडमी ह्यूमैनिटीज। तो सभी स्टूडेंट्स का, सभी डियर स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूं यहां पे आपके अपने चैनल अन अकेडमी ह्यूमैनिटीज पे, जिसके ऊपर भाई इतनी सारी रेगुलर वीडियोस, रेगुलर हर दिन इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, ह्यूमैनिटीज एजुकेटर आपको ह्यूमैनिटीज के अलग अलग सब्जेक्ट को यहां पे करवाते। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए माय डियर, सभी के सभी जल्दी से क्लिक करें ताकि आपको इस तरीके की रेगुलर वीडियोस, रेगुलर क्लासों की अपडेट आपको मिलती रहे। और आज का टाइटल आप देख पा रहे होंगे, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल आपने देखा होगा और आपको पता है कि ये है मोस्ट डिमांडेड चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 5। भाई देखिए, मतलब कि मैंने चेक किया है और इवन आपने भी ये पाया है कि ऑल ओवर इंडिया जो है ये चैप्टर नंबर 1 की वीडियो, अन अकेडमी ह्यूमैनिटीज की वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम की ट्रेंड कर रही है। और ये सब कुछ हुआ है मेरे डियर स्टूडेंट सिर्फ आप सबकी वजह से। तो चैप्टर नंबर 1 की जो वीडियो ट्रेंड कर रही है, चैप्टर नंबर 1 की वीडियो जो यहां पे 10 के इसका पार्ट 1 क्रॉस कर चुका है और अभी पार्ट 5 भी यहां पे आ चुका है, आपने उसको इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया, इतना बेहतर कंटेंट आपको लगाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो को जो है वो बाद में देखते हैं, तो मैं आपसे एक ही यहां पे जो है माय डियर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो जब आप पूरा देख ले तो उसके बाद में रिव्यू जरूर किया करो, कमेंट जरूर किया करो, वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। वीडियो एंड होने के बाद में हैशटैग हिस्ट्री विद अजय सर के साथ यहां पे लिखेंगे आप कि कैसा लग रहा है आपको, कैसा पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हो रहा है। और ऐसे में मैं और भी रेगुलर चीजें आपके लिए लाने की कोशिश कर रहा हूं और उसी सीरीज में मैं संडे को इस चैप्टर को एक साथ, देखिए ये चैप्टर बड़ा ही डिमांडेड है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को संडे, ये जो संडे आने वाला है, ये जो संडे है मैराथन वाला संडे है, और आप बोल रहे थे कि सर 11th का मैराथन नहीं करवाते, तो 11th का मैराथन होगा चैप्टर नंबर 1 का। भाई चैप्टर नंबर जो 1 होने वाला है उसका मैराथन होगा पूरा चैप्टर 1 स्ट्रोक में। संडे को शाम को 4 बजे मैं बैठूंगा और जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, जब तक ये पूरा नहीं होगा, मतलब तब तक चाहे 6 बजे चाहे 7 बजे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, तो मैं इस चैप्टर को इस संडे वाली मैराथन में कंप्लीट करने वाला हूं। पार्ट्स भी आते रहेंगे और उस तरीके से उसके साथ साथ वैसे भी इसको कंप्लीट करूंगा। संडे बोले तो मतलब जो ये संडे आने वाला है 23 मई को ये इसका मैराथन आएगा और पूरा चैप्टर एक साथ रेगुलर कवर करने के लिए, एक साथ वन स्ट्रोक में करने के लिए बैठ जाइएगा, अपना बुक लेके बैठ जाइएगा और साथ ही साथ अपना नोटबुक लेके बैठ जाइएगा और इस चैप्टर को कवर करेंगे हम रेगुलरली। तो स्वागत है आप इसके चैप्टर नंबर 1 जो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम है उसके पार्ट नंबर 5 के अंदर। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी डियर स्टूडेंट का इस तरीके से जो हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, और ऑफलाइन जो कमेंट देख रहे हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा उन्हें वीडियो। तो मेरा नाम अजय धायल है और मैं हूं आपका वही हिस्ट्री का जोशीला एजुकेटर और मेरे साथ आप पढ़ चुके हैं यहां पे काफी सारे हिस्ट्री के चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 भी मैंने शुरू कर दिया है अनअकैडमी ऐप पे, तो उसको भी वहां पे अनअकैडमी जो ह्यूमैनिटीज चैनल उसके ऊपर भी चैप्टर नंबर 3 की बिगिनिंग हो गई है। साथ ही साथ रेगुलर कवर हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे सारे के सारे चैप्टर जो है रेगुलरली यहां पे कवर हो रहे हैं। चिराग स्वागत है मेरे लिए, तो रेगुलरली कवर हो रहे हैं तो उसको भी आप कवर करें अन अकेडमी प्लस के साथ।
क्योंकि रेगुलर पढ़ाई, रेगुलर बिना वेट, सबसे बेहतर कंटेंट अन अकेडमी प्लस ही आपको दे पाता है। और मैं हूं अन अकेडमी का प्लस एजुकेटर, तो जल्दी से अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करो, अन अकेडमी ऐप पे मेरे को फॉलो करो ताकि मेरी क्लासों का रेगुलर अपडेट आए। साथ ही साथ फ्री क्लासे होती है, संडे को 12 बजे क्विज की क्लास है, बड़ी मजेदार होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, काफी सारे स्टूडेंट उसमें आते हैं। तो अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करो, मेरे को फॉलो करो और संडे वाली उस क्विज वाली क्लास में भी पहुंचो। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कोई पैसा कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, और उसमें सिर्फ लिया जाता है तो सिर्फ ये कोड जो है AJAYD लाइव, ये कोड यूज करो और उसी के साथ सब कुछ शुरू हो जाएगा। लाइफस्टाइल वे सेंट बर्नार्ड, स्वागत है मेरे लिए। तो चैप्टर आपका फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम और आज है पार्ट 5। मैं एक बार क्विक रिकैप दे दूं कि इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं काफी सारी चीजें, मैं आपको करवा चुका हूं बहुत सारी चीजें और बहुत बेहतरी से आपने कवर करी हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रो कवर किया, भाई हमने इस चैप्टर का इंट्रो कवर किया, इंट्रो में सारी चीजें करी। प्रिंस स्वागत है मेरे लिए, ठीक है। फिर हमने यहां पे पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर जो है, रुकिए मैं एक बार अच्छा सा बिल्कुल आपको दिखने वाला, भाई इंट्रो कवर किया। फिर इंट्रो के साथ हमने कवर किया कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ है, किस तरीके से अलग अलग प्रजातियां से मनुष्य यहां पे इवोल्व हुआ है, कैसे आया है, कैसे शुरुआत 36 मिलियन ईयर एगो एक प्रीमेट्स की प्रजाति से शुरू हुई और कैसे आखिरकार मनुष्य के जैसे दिखने वाली प्रजाति अफ्रीका में उसका स्पीसीज होमो सेपियन का स्पीसीज कैसे आया, वो सफर हम कवर कर चुके थे। फिर मैंने उसको लेके अलग अलग थ्योरियां जो यहां पे आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा या जो फॉसिल को जानकार है उनके द्वारा जो दी जाती है उनके थ्रू हमने पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया माय डियर कि अर्ली ह्यूमन बीइंग खाना कैसे खाता था, एंड देयर आर वेरियस माय डियर जो है एविडेंस जिसके थ्रू या फिर अलग अलग मेथड अलग अलग वेज हैं जिनके थ्रू अर्ली ह्यूमन बीइंग खाना यहां पे ऑब्टेन करता था। खाने इवन हमने पहले उसके डेवलपमेंट की थ्योरी करी, उनके डिफरेंसेस की बातें करी, उनके चेंजेस की बातें करी। भाई क्लास 11 का पार्ट 5 ही है ये क्लास 11 का पार्ट 5 ही है। और फिर मैंने बताया था कि किस तरीके से जो अर्ली ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है, वो कैसे खाना खाता था, भाई कैसे खाना ऑब्टेन करता था, हंटिंग करता था, गैदरिंग करता था, स्क्वेंजिंग करता था, फिशिंग करता था, फिर वो मैंने आपको बताया। ये हमने किया, बड़ा मजा आया इसके अंदर, बहुत बेहतरीन से हमने पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया था कि अर्ली ह्यूमन बीइंग कैसे यहां पे रहता था, किस तरीके के हैबिटेट बनाता था और उसके अंदर रहता था, कैसे पहले पेड़ों पे रहता था, पेड़ों के पास कैसे आर्टिफैक्ट मिले, कैसे चीजें मिली, कैसे बोन्स मिले, कैसे स्टोन टूल बने जो ऑस्ट्रलोफिथिकस के द्वारा यहां पे बनाए गए, और सबसे पहला यहां पे प्रजाति जो है वो यहां पे होमिनिड्स ही है जो यहां पे रेजिडेंस में रहने लगा। फिर गुफाओं के कैसे एविडेंस मिलते थे, जैसे लजार्ट केव के बारे में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको बताया था ओपन एयर साइट जैसे तेरा अमाता के बारे में। फिर हमने पढ़ा था कि देर आर वेरियस एविडेंस जो हमें जानकारी देते हैं मनुष्य के यहां पे रहने के, उनके द्वारा घर बना के रहने के, या फिर उनके द्वारा जगह को ऑब्टेन करने के, उनके टूल्स मिले, उनके वेपन मिले, बोन्स मिली हैं, ठीक है, जलाए हुए आग के अल्टार्स मिले हैं जो हमें बताते हैं, जैसे तेरा अमाता में मिला है, ठीक है, फायर का अल्टार मिला, एक झोपड़ी मिली है जो एक सीजनल यहां पे किसी प्रकार का रेजिडेंस हो सकता है। फिर गुफाओं के भी एविडेंस हमें मिले हैं और उनके अंदर भी काफी सारी चीजें मिली हैं जो कंफर्म करती हैं वो वहां पे रहते थे। इवन जली हुई मिट्टी या फिर साथ ही साथ जली हुई हड्डियां ये बनाती हैं कि मनुष्य इस समय यहां पे आग का जानकार था और आग से वो जानकारी रखता था, और आग के काफी सारे उपयोग भी मैंने बताए थे कि किस तरीके से आग जो है वो काम आता है, उपयोग लिया जाता है, कैसे कुकिंग के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए गुफाओं में, माय डियर लाइट के लिए, जानवरों को डराने के लिए, टूल्स बनाने के लिए किस तरीके से उसका उपयोग होता था, ये भी हमने देखा। और अगला टॉपिक कुछ ये ही है जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जो आज का ये टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है अर्ली ह्यूमन टूल कैसे बनाता था। तो चलो आओ एक बार, आज का पार्ट है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम का पार्ट 5,
जो आपको करवाऊंगा संडे स्पेशल क्विज का टाइम, क्लास 11 का अनअकैडमी ऐप पे फ्री क्लास का 12 बजे, क्लास 12th का 2 बजे। YouTube का टाइमिंग बदल दिया है मैंने, YouTube का टाइमिंग अब 12 बजे ज्यादातर कर दिया गया है, 8:30 बजे या शाम को भी क्लास आ सकती है, बाकी यही रहेगा। स्पेशल क्लास फ्री क्लास का टाइमिंग शाम को 8:30 बजे, ये भी अनअकैडमी ऐप पे ही होती है, और इसके लिए कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है अनअकैडमी ऐप पे फ्री क्लास लेने का, वहां पे लगता है तो सिर्फ एक कोड जो है AJAYD लाइव। साथ ही साथ अनअकैडमी का सबसे बेहतर, अगर आप यहां पे जो है माय डियर फीचर्स को एंजॉय करना चाहते हैं, बेहतर क्लासे लेना चाहते हैं, तो प्लस और आइकोनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप लेंगे, और जब आप उसमें यूज करेंगे कोड AJYD10DLIVE तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट भी। गरिमा स्वागत है मेरे लिए, तो फ्री क्लास से फ्री हैं, कोड AJYD LIVE है, और प्लस क्लासों पे यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है AJYD LIVE यूज करके। तो वीडियो को लाइक करिए मैक्स टू मैक्स, जैसे मैंने बताया अपने दोस्तों से शेयर करिए, और आपका अपना चैनल अनअकैडमी ह्यूमैनिटीज जो है, जो इतनी मेहनत करता है आप लोगों के लिए, उसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट तो चाहिए भाई, कमेंट तो चाहिए, कमेंट आपके लिए हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है और हमें मोटिवेट करता है कि भाई कैसा आपको वीडियो लगा, कैसा लगा, रिव्यू कर सकते हो, बुरा लगे तो भी बुरा भी बता सकते हो, अच्छा लगे तो अच्छा भी कर सकते हो, कोई डाउट हो तो डाउट भी बता दो, ताकि मैं अगले बार उन डाउटों को भी कंसिडर मैं यहाँ पे करूँ। तो यहाँ पे अनअकैडमी प्लस के बारे में मैं आपको बता रहा था कि अनअकैडमी प्लस के फायदे काफ़ी हैं भाई, फायदे क्या हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर एक ही जगह एक साथ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, प्लस प्लेटफॉर्म पे अनलिमिटेड वीडियो कोर्सेज का रेगुलर एक्सेस मिल रहा है, घर बैठे सेफली पढ़ पा रहे हो। गुड नाइट माय डियर गरिमा, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, रेगुलर डाउट क्लियर करते हो तो वहीं पे क्लियर कर पाते हो, अपना सिलेबस वहीं क्लियर कर पाते हो। यस खुशी वेलकम टू क्लास, बैच जो कोर्सेज है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर, और आज और भी बेहतर तरीके से आज टूल मेकिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बैच कोर्सेज को भी आप यहां पे एक्सेस कर पाते हो, बैचेस काफी चला रहा है अनअकैडमी, मैं आपको बता दूं अनअकैडमी रेगुलर बैच चला रहा है कम से कम भी 11th के 5 to 6 बैचेस होंगे, डिफरेंट अलग अलग एजुकेटर्स यहां पे पढ़ा रहे, मैं खुद भी 2 से 3 बैचेस में यहां पे पढ़ा रहा हूं, तो वो सारे बैचेस का अलग पैसा नहीं देना, अनअकैडमी प्लस के साथ ही उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, लाइव टेस्ट दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपना नॉलेज, स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, मेंटर्स का गाइडेंस पा सकते हैं, और सारी की सारी चीजें अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के साथ 12 महीने में यहां पे 10 से 11 हजार, ये फाइनल प्राइस नहीं है, ये विदाउट डिस्काउंट प्राइस है, जब आप अप्लाई करते हो ना कोड AJYD LIVE तो और भी डिस्काउंट इसमें मिलता है, तो ये कोड यूज करना इधर को ताकि 10% डिस्काउंट मिले, और आप क्लास 11th में है तो 24 महीने का क्लास 11th और 12th दोनों कवर हो जाएगा 19,500 रुपए में, ये सबसे बेहतर पड़ता है, ये सबसे बढ़िया पड़ता है आफ्टर अप्लाइंग द कोड। तो देरी किस बात की, सोच रहा है किस बात का, अनअकैडमी शुरू कर चुका है यहाँ पे बैचेस पे बैचेस, जहां पे हिस्ट्री मैं आपको करवा रहा हूं, तो आइए जल्दी से क्विकली रेगुलरली यहां पे करें बिगिनिंग, और भी टॉप एजुकेटर्स यहां पे आपको पढ़ा रहे हैं, तो करिए शुरुआत, करिए बिगिनिंग अपना अनअकैडमी प्लस के साथ, और अभी तो भाई ऑफर है, 12 पे 2 महीने फ्री, 18 पे 3 महीने फ्री, 24 पे 4 महीने, 36 पे 5, 48 पे 6 वो भी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो काफी सारे बेनिफिट है, चाहे आइकोनिक सब्सक्रिप्शन ले चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन ले, आइकोनिक में प्रीमियम बेनिफिट मिलते हैं, आए इंडिया के लार्जेस्ट सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ पढ़ने के लिए। तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और अब चलते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे अपने मुकाम की ओर, अपने टॉपिक की ओर, और चलते हैं बढ़ते हैं आगे, लेकिन कोड को यूज करना मत भूलिएगा, वरना इसके डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और कोड क्या है AJAYD LIVE। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं मेरे डियर, लेट्स मूव, लेट्स प्रोसीड फर्दर, चलिए चले चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं आगे, बहुत बड़ी, चलिए तो चले आगे, बढ़े आगे, और आज हम जानेंगे टूल मेकिंग के बारे में, कि किस तरीके का टूल मेकिंग करते थे, क्या मेथड था, टूल मेकिंग कब करने लगा, अर्ली ह्यूमन कैसे टूल्स बनाता था, उसके बारे में मैं आपको एक बार तो बता दूं भाई, टूल मेकिंग हर कोई करता है भाई, टूल मेकिंग एक छोटा सा जानवर चिड़िया भी करती है भाई, वो अपना घोंसला बनाती है ना, वो उसका टूल है भाई, जो घोंसला बनाती है वो उसका टूल है, ठीक है, कोई और भी जानवर है
कोई कार्य करता है तो टूल मेकिंग हर किसी का फीचर होता है, हर किसी की इंपोर्टेंस होती है। टूल मेकिंग कोई भी व्यक्ति अपने काम को इजी करने के लिए, आसान करने के लिए यहां पे करता है। टूल मेकिंग जो है वो यहां पे सिर्फ मनुष्य नहीं, हर कोई करता है, इवन बर्ड भी यहां पे टूल मेकिंग करता है, कोई खाना खाने के लिए या अपने काम को आसान करने के लिए। लेकिन यहां पे या फिर सोशल एनकाउंटर से बचने करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, इवन चिंपैंजीज भी खाने को सर्च करने के लिए या खाना पाने के लिए उन्होंने टूल्स यहां पे बनाए। लेकिन सबसे विकसित टूल, सबसे डेवलप्ड टूल अगर किसी ने बनाए हैं, अगर किसी ने आविष्कार किया, भाई ये इतनी चीजें आप यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहा हूं, पेनटेप यूज कर रहा हूं, मोबाइल फोन यूज कर रहा हूं, एंड व्हाट इज ऑल दिस, भाई ये है क्या, ये सारा का सारा टूल है जो मनुष्य ने अपनी याददाश्त या अपनी स्किल्स की मदद से उसने बनाए हैं और जिससे अपने काम को उसने बहुत आसान कर दिया है। लेकिन ये बहुत लेटर की बात हो गई, लेकिन इससे पहले एक समय था जब मनुष्य सिंपल सिंपल टूल बनाना शुरू किया जिससे यहां पे अपने काम को उसने बिगिनिंग किए। और ऐसे में सबसे शुरुआती टूल भी हमें अफ्रीका से ही मिलते हैं या अफ्रीका की साइटों से मिलते हैं जो ये कंफर्म करते हैं मेरे लिए, जो हमें बताते हैं कि भाई टूल अर्ली ह्यूमन के द्वारा ही बनाए गए। अर्ली ह्यूमन ही टूल, मतलब अफ्रीका वाला अर्ली ह्यूमन ही टूल मेकर था, या मनुष्य की प्रजाति सबसे पहले डेवलप हुई, विकसित हुई तो वो अफ्रीका के अंदर ही हुई, इथोपिया और केनिया के अंदर ही। और सबसे पहली प्रजाति जिसने टूल मेकिंग किया वो किया किसने, बहुत 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 माय डियर, नोटिफिकेशन आ जाएगा वरना मैं आपको बताता रहूंगा, मेरे लिए टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, मैं आपको वो भी बताता रहूंगा। तो ऐसे में भाई मनुष्य जो है, भाई देयर आर सम फीचर होम ह्यूमन टूल्स दैट आर नॉट नॉन टू अमोंग एप्स, भाई कुछ फीचर है ह्यूमन टूल मेकिंग के जो सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है या मनुष्य ही कर सकता है, एप नहीं कर सकता। मनुष्य के अंदर किसी ना किसी प्रकार का कोई ऐसा, भाई उसका दिमाग एक तो ज्यादा है, एक स्किल ज्यादा है, तो और इवन उसका बॉडी का स्ट्रक्चर भी कैसा ऐसा है, ठीक है, कि उसके बॉडी के अंदर मैं आपको बता दूं, ठीक है सर, एमपीएससी इंग्लिश मीडियम होता है क्या, बता दो भाई, एमपीपीएससी ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम एक बार तो उसको समझाओ मुझे, फिर मैं आगे बताऊंगा। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि मनुष्य के अंदर भाई साहब कुछ ऐसे फीचर होते हैं, उसके बॉडी में ऐसे फीचर होते हैं, ठीक है, या फिर उसके दिमाग में, उसके नर्वस सिस्टम इतना डेवलप होता है, या उसके हाथों में इतना स्किल होता है कि जिससे वो टूल बना सकता है, जिसकी मदद से वो यहां पे काफी इंपोर्टेंट टूल यहां पे बना पाया है। और ऐसे में भाई आपको पता है टूल मेकिंग के लिए बड़ी बुद्धिमानी था भाई, दिमाग के साथ साथ शरीर के साथ साथ हाथों के डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रेट दिमाग, और इवन उसके साथ साथ किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्किल भी चाहिए, ठीक है। और ये जो चीजें हैं वो मनुष्य में है, वो एप में नहीं है, और इसीलिए मनुष्य जो है वो यहां पे क्या बना पाया, टूल बना पाया, एप यहां पे टूल नहीं बना पाया। और सबसे पहले अपने काम को इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए यहां पे टूल बनाने का जो एविडेंस है वो हमें अफ्रीका की ही दो साइटों से, भाई अफ्रीका के अंदर ही सबसे पहले स्टोन टूल बनाए गए, भाई सबसे पहले पत्थर के ऐसे ऐसे टूल मनुष्य ने बनाए, और ऐसे टूल्स के एविडेंस, इवन मैंने आपको बताया था ना, इवन हमने रेजिडेंस वाले में बात किया था कि किलोम्बे और ऑर्ग शैले जो है वहां पे शुरुआती टूल मेकर्स के टूल मिले, तो ये मनुष्य ने या ह्यूमन ने सबसे पहले बनाए थे, या सबसे पहले एविडेंस हमें टूल मेकिंग के इन्हीं साइटों से मिलते हैं। एविडेंस सबसे पहले स्टोन टूल मेकिंग के इथोपिया और केनिया के अंदर ही हमें यहां पे मिलते हैं। और माना जाता है कि कौन सी वाली जो प्रजाति है जिसने सबसे पहला टूल बनाया या टूल मेकर किया, तो वो सबसे पहली प्रजाति जो है वो आपके होमिनोइड्स परिवार या होमिनोइड्स ब्रांच से बिलोंग करने वाली एक ब्रांच
या एक स्पीसीज जिसको ऑस्ट्रेलोफिथेकस कहते हैं या साउदर्न एप कहते हैं माय डियर, वो ही सबसे पहला टूल मेकर था, उसी ने सबसे पहले टूल यहां पे बनाए, सबसे पहले बिगिनिंग टूल उन्हीं के द्वारा, ठीक है, यहां पे किए या टूल मेकिंग उन्हीं के द्वारा किया गया, सबसे पहले टूल मेकिंग उन्हीं के द्वारा किया गया। ऑस्ट्रेलोफिथेकस सबसे पहली प्रजाति है जिसने टूल मेकिंग किया था। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत यह है कि भाई हमें यह नहीं पता कि भाई टूल मेकिंग में जेंडर का क्या रोल था। ठीक है भाई, महिलाओं का भाई जब भी जेंडर का रोल आए कहीं भी अगर आपसे पूछ ले ना, या फिर कहीं भी आपको टॉपिक मिल जाए हिस्ट्री में या कहीं पे भी कि जेंडर रोल या जेंडर, इट मींस दे आर आस्किंग अबाउट द रोल ऑफ द वुमेन, व्हाट रोल डिड वुमेन हैव, महिला का क्या रोल है, क्योंकि महिलाओं को शुरू से ही भाई माना जाता है कि दे वर ओवर शेडोड बिहाइंड द मैन, या पुरुषों की परछाई के पीछे रही है, या फिर उनको शुरू से ही बैकवर्ड दर्शाया गया है। तो ऐसे में यहां पे हमें काफी सारी चीजों का क्लियर नहीं किया गया कि जो टूल मेकिंग है वो कोई मैन करता था या कोई महिला भी करती थी या दोनों करते थे, इसके कोई क्लियर एविडेंस नहीं पता चला। लेकिन भाई साहब टूल मेकर दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, टूल मेकिंग दोनों भी कर सकते हैं, और ऐसे में महिलाओं ने टूल मेकिंग करके या टूल बना के, माय डियर अनीश जो है वो फॉलो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है सर, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है फुल फॉर्म एमपीएससी। तो सर एक ये पूछना है कि इंग्लिश मीडियम होता है क्या, एग्जाम दोनों में होता है भाई, स्टेट पीसीएस या फिर जो आपका सेंटर पीसीएस है या यूपीएससी, उसका एग्जाम दोनों मीडियम्स में होता है, मेरे लिए दोनों में होता है। तो ऐसे में यहां पे महिलाओं ने भी टूल बनाए होंगी, क्योंकि महिलाएं भाई हंटर गैदर भाई महिलाएं खाना बनाने का कार्य शुरू से ही करती आई हैं, और उन्होंने अपने खाने के कार्य को आसान करने के लिए, कार्य के काम को आसान करने के लिए, खाना ऑब्टेन करने के काम को आसान करने के लिए यहां पे टूल बनाए होंगे, या अपने जो अपना जीवन उसको आसान करने के लिए, या फिर जो यहां पे छोटा बच्चा होता है, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है कि वुमेन्स ने यहां पे टूल बनाए होंगे, उपयोग करा होगा किसी प्रकार का खाना ऑब्टेन करने के लिए या फिर खाना लेने के लिए, या अपने बच्चों को भाई सॉलिड फूड खिलाने के लिए, क्योंकि छोटा बच्चा होता है भाई, मनुष्य का बच्चा है ये तो, ठीक है भाई, हर कोई छोटा बच्चा शुरू से ही अपनी मदर के मिल्क पे ही या माता के दूध पे ही जीवित रहता है, और वो ही उसके लिए बेहतर माना जाता है। लेकिन आपको पता है धीरे धीरे जैसे बड़ा बच्चा होता जाता है, थोड़ा ग्रो करने लग जाता है, तो हमें उसके अंदर हैबिट डालनी पड़ती है कि भाई वो थोड़ा सॉलिड फूड खाए, सॉलिड खाना खाए। तो माना जाता है कि अपने बच्चे को सस्टेन करने के लिए, जीवित रखने के लिए भाई खाना, चिल्ड्रन आफ्टर वीनिंग भाई मिल्क हैबिट छुड़वाने के लिए और फूड सॉलिड फूड उसको खिलाने के लिए उन्होंने इस प्रकार के टूल का उपयोग किया होगा या टूल का यूज यहां पे उन्होंने किया होगा, यह भी पता चलता है, इसकी भी जानकारी में पता चलती है कि महिलाओं ने भी टूल मेकिंग को यूज यहां पे किया गया होगा। लेकिन भाई साहब अब तो मनुष्य डेवलप होता जा रहा है भाई, मनुष्य का दिमाग ऑस्ट्रेलोफिथेकस अर्ली टूल मेकर था, तो सोच के देखो, उसके बाद में तो होमो हैबिलिस आया जिसको टूल मेकर का क्रेडिट भी दिया जाता है, और फिर तो होमो सेपियन आया, होमो सेपियन ने क्या क्या टूल नहीं बना दिया, ठीक है, बायो विपन बना दिया, सोच के देखो इस कोरोना को, कोविड को बायो विपन, मनुष्य बनाने वाला है, मनुष्य क्रिएटर है, तो वो भी एक टूल में ही है जो यहां पे डिस्ट्रक्शन का टूल यहां पे बना दिया है, ठीक है, या फिर देख लो इसराइल के अंदर आयरन डोम बना रखा है उन्होंने अपना, ठीक है, वो भी तो एक टूल ही है प्रोटेक्शन का। तो कहां मनुष्य पहुंच गया है, लेकिन 35,000 साल पहले टूल मेकिंग में परिवर्तन सबसे पहले आया था, जब थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, थोड़े डेवलप्ड टूल यहां पे बनाने लग गया था, थोड़ा ऐसा ही नहीं कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा टूल बना रहा है या शिकार के लिए टूल बना रहा है या पत्थर भी एक प्रकार से टूल ही कर रहा है, थोड़ा परिवर्तन हो रहा है भाई, विकास हो रहा है, नए प्रकार के टूल, नया प्रकार का टेक्निक यहां पे जानवरों को मारने के लिए या जानवरों का शिकार करने के लिए, क्योंकि शिकार करते हैं खतरनाक जानवरों का शिकार करना कोई संभव काम नहीं था भाई शुरू के समय, तो ऐसे में शिकार करना संभव हो पाया
जब नए प्रकार के टूल, जब नए प्रकार के वेपन यहां पे डेवलप किए गए, तो नए प्रकार के जो टूल यहां पे आए उनमें भाला है, स्पीयर है, जो दूर से, भाई भाला जो है जो आराम से दूर से शिकार कर सकता है वो उन्होंने बनाया, बो एंड एरो भाई ये तो काम खत्म कर देगा दूर से ही, भाई धनुष और बाण जो यहां पे जानवरों को स्पेशली वाइल्ड एनिमल को और खतरनाक जानवरों को यहां पे मारने के लिए जो बनाया गया वो भी मनुष्य के द्वारा या अर्ली ह्यूमन, ये देख लो ये रहा बो एंड एरो जो बनाया गया वो भी यहां पे 35,000 साल पहले ही उसके एविडेंस मिलते हैं मनुष्य ने यहां पे बनाया और अपने काम को उसने आसान यहां पे किया मैं, ठीक है, अपने काम को आसान उन्होंने किया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टूल यहां पे बनाने लग गया शिकार करने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, दूर से शिकार करने के लिए ऐसे टूल मेकिंग की प्रोसेस शुरू हुई है। अब देखो कैसे कैसे टूल आ गए, वो तो मैं आपको जिक्र कर ही चुका हूं। उज्जवल वेलकम टू क्लास, बहुत बहुत शुक्रिया रानी, बहुत बहुत। तो ऐसे में अब तो कर ही रहा है, तो ऐसे में टूल्स का यूज यहां पे भाई खाल या रिमूविंग द बोन्स हड्डियां हटाने के लिए, या यहां पे मैं आपको बता दूं कि खाने को साफ करने के लिए, खाना ऑप्टेन करने के लिए, मीट ऑप्टेन करने के लिए इस टूल का यूज करने लग गया, ठीक है। और मनुष्य इन्हीं टूल्स की मदद से यहां पे खाने को प्रिजर्व करने लग गया ताकि वो बाद में खा सके, भाई उसको सुखाने लगा, हड्डियां अलग करने लग गया, उसको भाई जो है पकाने लग गया, फिर स्टोर करने लग गया। और स्टोर किस लिए, ताकि उसको बाद में उसको खा सके, ताकि बाद में उसको खा सके, लेटर ऑन उसको कंजम यहां पे कर सके, उसके लिए भी मनुष्य ऐसा कार्य करने लगा, ठीक है। मनुष्य ऐसा कार्य मतलब विकास से विकास हो रहा भाई। पहले मनुष्य सिर्फ हंटिंग, भाई पहले सिर्फ गैदरिंग करता था, इकट्ठा करता था, कुछ मिल गया खा गया, मरा हुआ जानवर मिल गया खा लिया, लेकिन टूल मेकिंग हुआ, थोड़ा दिमाग बढ़ा, विकास हुआ, नई प्रजाति आई, दिमाग का डेवलप करके, स्किल का यूज करके टूल बनाया, शिकार किया, शिकार करके अब उसके खाने के हैबिट में भी परिवर्तन आ गया, उसके खाने के तरीके में परिवर्तन आ गया, जिससे उसके बॉडी में भी परिवर्तन आएगा, पका के यहां पे खाने भी लग गया, अभी और भी परिवर्तन आएगा, अभी तो और विकास होगा, ठीक है। उसके बाद में और परिवर्तन आए, ठीक है। जैसे यहां पे क्या करने लग गया, मनुष्य ठंड महसूस तो शुरू से ही करता आया है, और ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए आग का उपयोग भी करता था, ठीक है भाई। आग का उपयोग, इवन आग का उसने टूल के रूप में भी उपयोग किया है, जानवरों को डराने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए, ठीक है, उसके लिए भी उन्होंने यहां पे। सर इसके बाद अनअकैडमी पे क्लास होगी, बिल्कुल होगी, नहीं आज तो नहीं है, अनअकैडमी ऐप पे तो नहीं है उसके बाद में, ठीक है। तो धीरे धीरे भाई उसको ठंड महसूस हुई, तो उसने बोला भाई ये जानवर है इसको तो ठंड नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही, क्योंकि इसने फर पहना हुआ है। तो धीरे धीरे वो अपने टूल्स की मदद से टूल बनाने लग गया और जानवरों को जाल में फंसाने लग गया, फर बियरिंग जिसके फर होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, उनको यहां पे भाई शिकार करने लग गया, उसकी खाल उतार के, ठीक है, पहनने लग गया या अपने ऊपर उसको सिलने लग गया। सिलना कब पॉसिबल हो पाया, जब यहां पे सिलाई के लिए निडिल उसने बनाया, या देखो कितना विकसित हो गया, कितना डेवलप हो गया भाई, सिलाई के लिए अपने लिए निडिल बना रहा है, सिलाई वाली निडिल, ये देखो ये रही निडिल, तुम्हारी बुक में भी दी गई है, हड्डी को लिया, पैनी सी हड्डी निकाली, छेद किया और उसको निडिल के रूप में बना लिया, छोटी छोटी बड़ी बड़ी बोन्स की निडिल मिली है भाई साहब, जिसका उपयोग ये करते थे मेरे डियर, जिसका उपयोग ये करते थे, उससे फर पहना और फर को फिर सील लेते थे, मोटे मोटे टांके लगा लेते थे, मोटा मोटा सीविंग यहां पे कर लिया करते थे, तो ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए ठंड से। तो ऐसा भी यहां पे डेवलप हुआ। और सबसे पहले एविडेंस, सबसे शुरुआती एविडेंस मनुष्य के सिले हुए कपड़े पहनने का, या सिलाई करके कपड़े पहनने का, या अपने आप को ठंड से प्रोटेक्ट करने का जो एविडेंस हमें मिला है वो 21,000 साल। और आज को मैं बता दूं, संडे को ग्रेट मैराथन रखा है मैंने तुम लोगों के लिए, चैप्टर नंबर 1 पूरा पढ़ाऊंगा वन स्ट्रोक में, संडे को 4 बजे। तो इसका ध्यान रखना, जितने भी लोग ऑफलाइन में देख रहे हैं सबको लाइव आना है,
लाइव डाउट करेंगे, लाइव पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, वापस से दोहराऊंगा पूरा चैप्टर 4 बजे से संडे को लाइव पहुंचना है। मुझे पता है काफी लोग ऑफलाइन देखते हैं इसको, पर मैं अभी टाइम कंफर्म कर रहा हूं, और आपको अगर मेरी वीडियो इतनी पसंद है तो संडे को आप पहुंचे और उसको बिल्कुल देखेंगे, अपन पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो सिलाई किए हुए कपड़ों के एविडेंस हमें 21,000 साल पहले मिले हैं, और माना जाता है ये पॉसिबल कैसे हो पाया, पॉसिबल हो पाया यहां पे सिलाई या सिडिल निडिल की मदद से। धीरे 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 मनुष्य की और टेक्निक बदल गई, पंच ब्लेड टेक्निक यहां पे आ गया। पंच मतलब धीरे धीरे पत्थर को पकड़ के, जो मैंने शुरू में फोटो दिखाया था ना, पत्थर को पकड़ के इस तरीके से छोटे 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 चिल्सल लाइक टूल, भाई छोटे छोटे पत्थर के टूल्स टाइप के यहां पे बनाने लगा। ये वाला चैप्टर मेरे डियर वंश, ठीक है, टूल टाइप का यहां पे देखिए इस तरीके के छोटे छोटे टूल भी यहां पे बना पाया है, और इसी की मदद से ये छोटे छोटे टूल है ना, इनकी मदद से आप बोलोगे सर इनकी मदद से वो क्या क्या करता था, इनकी मदद से वो क्या करता था, तो इन छोटे छोटे टूलों की मदद से मैं आपको जानकारी दे दूं, इन छोटे छोटे टूल्स की मदद से वो शार्प निडल जैसे पॉइंटेड लाइक चीजें बनाता था, जिसकी मदद से भाई वो एनग्रेविंग कर पाया, गुदाई कर पाया या कलाकृतियां कर पाया। जैसे ये नीचे देखो, नीचे एक निडल है ई पे, ये निडल है यहां पे तुम्हारी बुक के अंदर दिख जाएगा, निडल है, और इस निडल के ऊपर उन्होंने जानवरों की फोटो बनाई हुई है, और ऐसे में इस हड्डी के ऊपर जानवरों की फोटो कैसे बनाई, ये पत्थर के छोटे छोटे चिल्सल लिए और उनसे कलाकृतियां कर रहा है, उनसे कलाकृतियां करने लग गया, और ऐसी कलाकृतियां करना पॉसिबल हो पाया इन छोटे छोटे पंच ब्लेड टेक्निक से बनाए हुए छोटे छोटे टूल्स की मदद से, जो टूल्स यहां पे उसने बनाए और उन टूल्स का उपयोग उसने उस पर्पस के लिए किया। तो इस तरीके के टूल्स मनुष्य बनाता था, टूल्स बना के यहां पे कपड़े सिल के पहनने लग गया, या इस तरीके से और भी काम उसका आसान हो गया, शिकार करने लग गया, हंटिंग गैदरिंग में उसकी मदद कर दी, ठीक है, और इस तरीके से टूल बना रहा है, इस तरीके से टूल यहां पे बना रहा है। एंड आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा कि कैसे टूल मेकिंग करता था। टूल मेकिंग की शुरुआत सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस में देखी, बाद में जैसे जैसे प्रजातियां डेवलप हुई उन्होंने और भी सोफिस्टिकेटेड या और भी डेवलप्ड टूल बनाए, और उन टूल्स का यूज उसके द्वारा किया गया अपने काम को आसान करने के लिए। महिलाओं ने भी यहां पे अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए उपयोग किया है। 35,000 साल की पहले हमारे पास नया टेक्निक में परिवर्तन आया था, जब पहली बार धनुष और बाण और स्पीयर थ्रोवर यहां पे आया था, ठीक है, और उसके साथ साथ यहां पे जो है 21,000 साल पहले सबसे पहले सिलाई किए हुए कपड़े या निडल के द्वारा सिले हुए कपड़ों के एविडेंस भी हमें मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये हमने पढ़ी आज टूल मेकिंग के थ्रू, और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई दिक्कत आपको, ये देख लो ये रही निडल, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं रहा होगा, किसी प्रकार का कोई भी द्विधा प्रॉब्लम रहा हो तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसको सॉल्व जरूर करूंगा। इवन मैंने कमेंट में कुछ देखा भी है कि कुछ स्टूडेंट ने यहाँ पे, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो है स्टूडेंट ने कुछ चीज़ें पूछी हुई हैं, वो भी मैं आज आपको क्लियर करूंगा। तो टूल मेकिंग कैसे करता था वो हमने अब पढ़ लिया है, वो हमने कर लिया है, और आ जाओ अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही बेहतर टॉपिक है, ठीक है, और वो है जो अर्ली आज हम लोग तुरंत फोन घुमाते हैं, तुरंत खबर देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लाइव लड़ाई का कहीं पे युद्ध चल रहा है, कहाँ पे बॉम्ब गिराया जा रहा है, कहाँ पे कब गिरेगा, क्या होगा, पूरा जानकारी ले लेते हैं कि नहीं ले लेते, बताओ ले लेते हैं कि नहीं ले लेते। आज कितने विकसित हो गए हम, कितने डेवलप्ड हो गए, मैंने बोला जैसे टूल्स डेवलप हुआ है उसी तरीके से मनुष्य के कम्युनिकेट करने का तरीका डेवलप हो गया है, कम्युनिकेशन आ गया भाई साहब, सैटेलाइट इंटरनेट आ गया, स्टारलिंक, जो आपके जो इलॉन मस्क है भाई, अब आपको आसमान से पहाड़ के ऊपर चले जाओ चाहे किसी रिमोट एरिया में चले जाओ नेट देगा। ये कैसा कर रहा है, कौन कर रहा है भाई, मनुष्य ही तो कर रहा है, वो मनुष्य ही तो है, लेकिन पहले मनुष्य ऐसा नहीं था, शुरू में मनुष्य के पास ऐसा इंटरनेट, ऐसा फोन, ऐसा टेलीफोन नहीं था मेरे डियर, ठीक है। कैसे मनुष्य ने यहां पे कम्युनिकेट करना शुरू किया, व्हाट आर द वेरियस वेज,
किस तरीके से मनुष्य कम्युनिकेट करता रहा, आज के इस 5G 3G 4G वर्ल्ड के अंदर पहुंचा है, कैसे पहुंचा, इतना हाई स्पीड इंटरनेट के दौर में या इतनी हाई स्पीड सूचना के संचार के दौर में पहुंचा है, तो कैसे पहुंचा है, उसकी एक शुरुआत थी, उसकी एक बिगिनिंग थी। तो यह टॉपिक उसी के बारे में करेगा कि मनुष्य कैसे शुरुआती समय में कम्युनिकेट करता था और कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले भाषा कैसे डेवलप हुई और फिर आर्ट का या कला का भी उपयोग कैसे करता था। भाई आपको पता है भाई, कला कोई आर्ट या कोई चीज लिख के या कोई चीज बता के भी हम किसी को बता सकते हैं, ठीक है। राइटिंग लेटर ऑन डेवलप हुआ है भाई, राइटिंग बाद में डेवलप हुआ है, भाषा सबसे पहले, ठीक है। जो भाषा क्या होता है, जो मैं कुछ बोल रहा हूं कोई साउंड ही तो प्रोड्यूस कर रहा हूं और साउंड के थ्रू मैं आपको कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो आपको आती है, मेरी ये माइंड लैंग्वेज है और आपको समझ आती है। तो इसी तरीके से शुरुआत कैसे हुआ इस लैंग्वेज का और फिर कैसे लैंग्वेज की मदद से यहां पे कम्युनिकेट कर पाया और आर्ट से भी कैसे कम्युनिकेट कर पाया। इवन हमें काफी गुफाओं में कलाकृतियां मिली, जानवरों की कलाकृतियां मिली है, शिकार करते हुए कलाकृतियां मिली है, जो बताता है कि मनुष्य यहां पे इस तरीके से कम्युनिकेट करता था या ऐसे अपने आने वाली जनरेशन को समझाया करता था। बिल्कुल माय डियर वंस। अब भाई जम्मू में कश्मीर, जम्मू में कम है तो वो तो अब क्या बताएं, देखो वो तो थोड़ा सा राजनीतिक है, उसके बाद में बाद में चर्चा करेंगे। चलिए, तो अर्ली ह्यूमन कम्युनिकेट कैसे करता था। तो भाई जितने भी, मैं आपको जानकारी दे दूं, जितने भी लिविंग बीइंग है ना भाई, उनमें एक ही व्यक्ति है भाई, आवाज सब निकालते हैं, भैंस भौं की आवाज निकालता है, बिल्ली म्याओं का आवाज निकालता है, आवाज सब निकालता है, लेकिन जितने भी ये जो लिविंग बीइंग है ना, उनमें सबसे होशियार मनुष्य है, ठीक है, और तभी सबको कंट्रोल करता है, सबसे होशियार मनुष्य है। और मनुष्य ही एक ऐसा प्रजाति है या ऐसा लिविंग बीइंग है जिसकी भाषा है, जिसका लैंग्वेज, और एक लैंग्वेज नहीं, अब तो पता नहीं कितना लैंग्वेज है हमारे भारत में, कितना लैंग्वेज है, ठीक है भाई। भाई यहां पे जो है लैंग्वेज है, और मनुष्य ही एक ऐसा है जिसका खुद का लैंग्वेज है, खुद का भाषा है। और ऐसे में भाई साहब अलग अलग ओपिनियन दिए जाते हैं। भाई आपको पता है बुद्धिजीवों की कमी नहीं है, स्कॉलर्स का कमी नहीं है, और अलग अलग स्कॉलर हैं, अलग अलग स्कॉलर यहां पे लैंग्वेज के डेवलपमेंट को लेके, कि भाषा कैसे विकसित हुआ, भाषा का कैसे विकास हुआ, भाषा कैसे आया, भाषा कैसे डेवलप हुआ, इसको लेके अलग अलग थ्योरियां यहां पे। बिल्कुल आप मैराथन करा के दिल जीत लिए हैं, वंदे वेदांत, बिल्कुल मैराथन होगा, मजा आएगा। चारू वेलकम टू क्लास, मैराथन तो होगा और बड़ा धमाका तो होगा, ठीक है। अब तुम लोगों का प्रेजेंस सही है, मेरे को उसके अंदर मेरे कम से कम भाई मेरे क्लास, मेरी इस वीडियो को 10,000 लोग देखते हैं, बाद में 1,000 लोग मेरे को इसको 2 से 5 दिनों में, 1 हफ्ते में देख लेते हैं इस वीडियो को। तो मेरे को इस वीडियो के अंदर भाई, आप कल का दिन है तो कम से कम भी 300-400 लोग देख लेंगे, तो आई वॉन्ट मोर देन 50 लाइव या 100 लाइव स्टूडेंट भाई, 100 लाइव स्टूडेंट भाई, एक बार सब लोग सपोर्ट करने के लिए संडे को 4 से 7 बजे या 4 बजे तो कंफर्म पहुंचेंगे। और उसमें मैं सपोर्ट नहीं मांग रहा हूं आप लोगों से, मैं चाह रहा हूं कि मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा लाइव स्टूडेंट जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लाइव अपना क्लास यहां पे ले। चैप्टर 4 भी करवा दिया जाएगा, तो आना मेरे को, मेरे साथ संडे को कंफर्म है 4 बजे, डेट फिक्स है। जितने भी मेरे इस क्लास के चैप्टर को देख रहे हैं, इस चैप्टर को दोबारा से दोहराऊंगा पूरा एक साथ, वन स्ट्रोक में, एक क्लास में, चाहे 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे लगे, बहुत बेहतर क्लास वो होने वाली, ठीक है। तो ऐसे में मनुष्य ही एक ऐसा लिविंग बीइंग है, ठीक है, जो यहां पे बोल और इवन शेयर भी करना है इसको सबको, बिल्कुल। तो ऐसे में भाई मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी भाषा है, ठीक है। और ऐसे में लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेके मैंने बोला स्कॉलर अलग अलग थ्योरी देते हैं, और क्या अलग अलग थ्योरियां देते हैं, चलो मैं आपको अलग अलग थ्योरी बताता हूं। पहली थ्योरी कहती है कि भाषा होमिनिड्स में डेवलप हुआ, ठीक है, भाषा सबसे पहले होमिनिड्स में डेवलप हुआ, और होमिनिड्स में वो पहले हाथों के कोई गेस्चर करता था। भाई छोटा बच्चा होता है, भूख लगती है भाई, खिला दो पिला दो, ठीक है, जो व्यक्ति बोल नहीं सकता वो भी गेस्चर करता है, हैंड मूवमेंट करता है। तो ऐसे में माना जाता है, बिल्कुल माय डियर, ऐसे में माना जाता है कि भाषा
सबसे पहले हैंड गेस्चर में था या हैंड मूवमेंट करता था, उसी से भाषा डेवलप हुआ। ठीक है, फिर अलग अलग थ्योरी, और दूसरी थ्योरी है कि स्पोकन लैंग्वेज जो है वो पहले वॉज प्रिसीडेड बाय वोकल। भाई इसके अंदर क्या करता था भाई, यहां पे वोकल का मतलब है भाई स्वर। भाई सबसे पहले कोई आवाज या कोई स्वर यहां पे निकालने लगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था। लेकिन ये अभी कोई आवाज या स्वर या किसी प्रकार का ऐसा नहीं होता है कि भाई गुनगुनाना करते हैं या हमिंग करते हैं, हम स्वर करते हैं, तो उसमें उससे डेवलप हुआ। पहले गुनगुनाता था, ऐसे करता था, लेकिन वर्बल कम्युनिकेट नहीं करता था। वर्बल मतलब जैसे अभी हम कर रहे हैं, ये वर्बल कम्युनिकेट नहीं करता था इस तरीके से, उससे डेवलप हुआ। एक कहता है कि मनुष्य के अंदर जो स्पीच आया है, बोलना आया है ना भाई साहब, वो प्रोबेबली बिगेन विद द कॉल्स अमंग प्रिमेट्स। बोला वो प्रिमेट्स में आ गया था, या प्रिमेट्स के समय ही जो कॉल्स या आवाज निकालते हैं ना, जैसे अभी जानवर मैंने बोला कोई भाव करता है, कोई म्याऊ करता है, कोई क्या करता है, ऐसी आवाजों से ह्यूमन स्पीच डेवलप हुआ है। तो दीज आर डिफरेंट व्यूज, दीज आर डिफरेंट थ्योरीज विच आर गिवन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। कोई बोलता है हाथों के इशारों से गेस्चर पहले करता था और उसी से भाषा डेवलप हुआ। फिर कोई कहता है मनुष्य हमिंग करता था, गुनगुनाता था, गाता था, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन जैसा अभी कर रहे हैं वैसा नहीं करके, भाई वैसा गुनगुना गुनगुना के उस तरीके से स्पोकन लैंग्वेज डेवलप हुआ। एक थ्योरी कहती है कि जो ह्यूमन स्पीच या लैंग्वेज डेवलप हुई है, पहले भाई कॉल करता था या किसी प्रकार का आवाज निकालता था, आवाजें कर करके, उससे यहां पे लैंग्वेज डेवलप हुआ। तो ऐसे में यहां पे अलग अलग थ्योरियां दी जाती हैं। और ह्यूमन शुरू में आपको मैं बता दूं कि काफी ह्यूमन स्मॉल नंबर ऑफ स्पीच साउंड इन इनिशियल स्टेज। भाई शुरू में इतना ज्यादा विकसित एकदम भाषा, जैसे मैं बड़बड़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, इतना आपको शब्द बता रहा हूं, ऐसा नहीं था भाई। ऐसा नहीं था कि आते ही बिल्कुल गाने गाने लग गया, एकदम जटिल, एकदम कठिन हिंदी बोलने लग गया, ना बाबा ना। ठीक है, बिल्कुल यहां पे मैं आपको बता दूं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भाषा आया, थोड़ा थोड़ा बोलने लगा, थोड़ा थोड़ा बताने लगा, फिर थोड़ा 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 धीरे धीरे एक विकसित भाषा में डेवलप हो गया। ठीक है, विकसित भाषा में यहां पे डेवलप हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे यहां पे इसको बाद में लिखा भी जाना लगा। लेकिन अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं माय डियर, नहीं आए, लेकिन अब जम्मू जरूर आएंगे। हमिंग करना, बिल्कुल, मीनिंग ऑफ हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना, गुनगुनाना, हमिंग करें, गुनगुनाएं, जैसे गाएं ना उस तरीके से गाना। चलिए, तो ऐसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, अब तो ऐसे में लैंग्वेज कैसे डेवलप हुआ उसको लेके थ्योरी है, कब डेवलप हुआ उसको भी लेके अलग अलग थ्योरी है। चलो, तो मैंने आखिर एक बार पॉइंट बता दूं कि ह्यूमन पहले पहले स्पीच के अंदर शुरुआत में थोड़े नंबर ही स्पीच या कोई साउंड निकालता था या कोई आवाज करता था, इतना डेवलप्ड यहां पे लैंग्वेज नहीं था। धीरे 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 और भी शब्द आ गए, और भी शब्दों को वो इंक्लूड करने लग गया, फिर यहां पे लैंग्वेज और भी ज्यादा डेवलप धीरे धीरे यहां पे हुआ। लेकिन अगला सवाल फिर से खड़ा हो गया। पहला सवाल था कि लैंग्वेज कैसे डेवलप हुआ, फिर सवाल हो गया कि लैंग्वेज डेवलप कब हुआ। भाई पहला है क्लियर कर लेना, कैसे हुआ, ठीक है, कब हुआ, अब वाला है क्या, कब हुआ। ठीक है, तो कब को लेके अलग, इधर भी अलग अलग थ्योरी। भाई अलग अलग लोग यहां पे भाषा को लेके भी बट जाते हैं कि इस साल में हुआ, इस साल में हुआ, इस साल में ऐसा परिवर्तन देखा गया था, इस साल में ऐसा हुआ था, इसलिए इस साल में हो गया होगा, इस साल में हो गया होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी यहां पे दी जाती हैं, यहां पे भाषा के डेवलपमेंट को लेके। तो सबसे पहली थ्योरी कहती है कि सबसे पहले लैंग्वेज आज से 2 मिलियन ईयर एगो डेवलप हुआ होमो हैबिलिस में। अब आप बोलोगे भाई क्यों बोल रहा है, होमो हैबिलिस में कैसे डेवलप हुआ। भाई माना जाता है कि होमो हैबिलिस के जो दिमाग था या ब्रेन था वो इतना ज्यादा विकसित था कि वो याद कर सकता था कुछ चीजों को, कुछ शब्दों को, और तभी सबसे पहले बोलने वो लगा 2 मिलियन ईयर एगो। सबसे पहला एविडेंस मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ठीक है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि
कि सबसे पहले माना जाता है लैंग्वेज 2 मिलियन ईयर एगो, यहां पे लिख लेना छोटा सा, यहां पे छोटा सा लिख लेना 2 मिलियन ईयर एगो डेवलप हुआ कोई कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि माना जाता है कि जो होमो हैबिलिस है उसका दिमाग इतना डेवलप हो चुका था कि वो बोल सकता था, तो माना जाता है कि लैंग्वेज उसी में आया। ठीक है, माना जाता है उसी में आया। लेकिन फिर से एक थ्योरी आया जो कहता है मनुष्य में लैंग्वेज 2 लाख साल पहले आया। 2 लाख साल पहले आया क्यों? क्योंकि उस समय मनुष्य के अंदर जो है भाई वोकल ट्रैक्ट का डेवलपमेंट हुआ। जो वोकल ट्रैक्ट है ना, जो मुंह के अंदर जहां पे हमारी भाषा हम बोलते हैं वो फिल्टर होता है, ठीक है, फिल्टर होता है, वो फिल्टर वाला जो पार्ट है, जो बॉडी पार्ट है, वो उस समय आया। और उससे पहले तो ना बोल पाएगा भाई, जब वोकल ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो कैसे फिल्टर बना, कैसे वो आ जाया। तो एवोल्यूशन जब वोकल ट्रैक्ट का हुआ तब मनुष्य बोलने लगा। और ये कब हुआ? यहां पे 2 लाख साल पहले। तो ये थ्योरी 2 लाख साल पहले को बताती है, यहां पे लिख लेना 2 लाख साल पहले, 2 लाख थ्योरी ईयर थ्योरी यहां पे लैंग्वेज की बोलती है, जो कहती है कि वोकल ट्रैक्ट डेवलप हुआ था और तब मनुष्य बोल पाया था। अब एक और आ गया भाई, एक और आ गया। एक कह रहा है 40 से 35 हजार साल पहले, 40 से 35 हजार साल पहले लैंग्वेज यहां पे डेवलप हुआ। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस समय आर्ट आया था और आर्ट और लैंग्वेज माना जाता दोनों अपने कॉन्टेम्परेरी हैं, समयकालीन हैं, एक ही समय के हैं, इस समय विकसित हुआ। तो भाई साहब मतलब थ्योरियों पे थ्योरियां दे रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थ्योरियां। भाई सबसे पहले तो कैसे हुआ उसको लेके दिया जाता है, ठीक है, फिर कब हुआ उसको लेके। कोई कहता 2 मिलियन ईयर को हुआ जब होमो हैबिलिस के अंदर ब्रेन डेवलप हो गया था उसका, तब हो गया था बोला। एक कह रहा है कि भाई ना 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 ना, 2 लाख साल पहले हुआ क्योंकि वोकल ट्रैक्ट जिससे बोलते फिल्टरों के आवाज आती है वो उस समय डेवलप हुआ, उससे पहले तो कैसे बोल पाता। तीसरा कहता ना 40 हजार या 35 हजार साल पहले हुआ है क्योंकि आर्ट भी उसी समय आया, आर्ट के एविडेंस भी मिलते हैं उसी समय आया है। तो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आर गिवन ओवर हियर। तीसरा कहता है कि यहां पे आर्ट के साथ यहां पे हुआ है, ठीक है। तो अगला, और वो क्या कहता है पता है? वो कहता है कि भाई स्पोकन लैंग्वेज और आर्ट जो दोनों कम्युनिकेशन के मीडियम है ना भाई, आर्ट कला और स्पोकन लैंग्वेज भाषा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों भाई हैं, ऐसे मान लो। दोनों क्या हैं? मित्र हैं, सखा हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, ठीक है, बे हैं भाई, ठीक है, दोस्त हैं अपने एक दूसरे के, और दोनों ही एक साथ यहां पे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एक साथ यहां पे आए और जुड़े भी हुए। कैसे जुड़े हुए वो भी आपको बताऊंगा। चलो आओ, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं उससे पहले आपको जानकारी दे दूं मेरे डियर, यहां पे एक केव पेंटिंग मिला है अल्तामीरा में, ठीक है। अल्तामीरा एक केव है, गुफा है, कहां पे? स्पेन के अंदर, साउदर्न स्पेन है, ठीक है, साउदर्न स्पेन के अंदर अल्तामीरा, स्पेन ही दिखा हुआ है, स्पेन के अंदर यह एक केव, जहां पे एक केव के अंदर हमें पेंटिंग मिला है एक बफेलो का। ये देखो ये वाला पेंटिंग मिला है, जो भाई साहब देखने में तो बड़ा ही नया मिल लगता है भाई, देखने में तो इतना रंगीन लगता है, नेचुरल कलर एकदम जीवित लगता है भाई, कोई बच्चे ने बनाया हो, किसी अभी का बनाया हो, लेकिन माना जाता है कि ये बहुत पुराना है। और इसके पुराने होने के भाई मैं आपको जानकारी दे दूं, कम से कम भी 12,000 साल पहले के पुराने रहने के एविडेंस हमें मिले हैं। शुरू में लोगों को लगा कि इतना पुराना नहीं हो सकता, इतना विकसित नहीं हो सकता। तो चलिए बताते हैं अल्तामीरा केव की खोज कैसे हुई, उसकी कहानी मैं आपको बताता हूं। अल्तामीरा केव स्पेन में है, ठीक है, और इसकी जो सीलिंग है, इसकी जो छत है ना, उसके ऊपर माय डियर यहां पे पेंटिंग किया गया है, और पेंटिंग किया हुआ था कई साल पहले, लेकिन लोगों को पता ही नहीं पेंटिंग किया हुआ है, क्या किया हुआ कुछ पता ही नहीं। ये लोगों की नजरों में लेके आया, बुल बनाया हुआ है, बिल्कुल माय डियर बुल बनाया हुआ है, लेकिन लोगों की नजरों में लेके आया सबसे पहले, गलती से आ गया भाई। कई खोजें मैं आपको बता दूं, ऐतिहासिक खोजें गलतियों का कारण भी है, और कई गलतियां जो हैं वो यहां पे मैं आपको जानकारी दे दूं, कई सारी जो गलतियां हैं वो यहां पे कहने का मतलब क्या है, कारण बनी है खोजों का,
और यहां पे क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मर्सिलो मर्सलिनो मर्सलिनो सांस दे सतो। भाई मर्सलिनो भाई स्पेनिश व्यक्ति है, स्पेनिश बोल रहे हैं हम इधर को, ठीक है, तो स्पेनिश व्यक्ति है, और स्पेनिश जो व्यक्ति है उसने भाई जिसका नाम है मर्सलिनो सांस दे सतोलो, एक जमींदार है, जमीन खरीद लिया होगा, गुफा भी उसके अंदर ही उसी की जमींदारी में आता होगा, और उसके साथ उसकी बिटिया थी, बेटी थी छोटी सी मारिया, कितना प्यारा नाम है मारिया, और उधर देखो उनके पिताजी का नाम मार्सलिनो सांस दे सुतोलो। भाई साहब बच्चे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आसान नाम निकाल लेते, मारिया निकाला है, पीटर निकाल लेते, ठीक है, ऐसा नाम निकाले हो तो। मारिया उनकी बेटी थी, वो भी वहां खेल रही थी, बच्चों का काम होता है इधर से उधर तफरा अफरा तफरी मचाना, भाग रही थी इधर से उधर, भाग रही थी भाग रही थी, भागते भागते भाई साहब उसकी नजर जो है वो यहां पे क्या हुआ, भाई उसके पिताजी तो खड्डा खोद रहे थे उधर केव में, और उसकी नजर भागते भागते एक सीलिंग पे पड़ी, सीलिंग पे पड़ी तो उसको ये दिखा, भाई सीलिंग पे पड़ी तो उसको ये दिखा, और तेजी से वो चिल्ला गई, पापा 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 देखो पापा, एक ऑक्स है, एक ऑक्स है, एक बुल है पापा, ठीक है, एक ऑक्सन है। तो ऐसे में उसके पिता ने बोला, भाई भाई क्या है बेटा, क्या देख लिए, जैसे ऐसे बोलते ना घर वाले, चल 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 कोई नहीं कोई नहीं। लेकिन भाई उसने देखा, उसके पिता ने पहले तो हंसे, ठीक है, लगा कोई ऐसा ही होगा, लेकिन पिताजी जब पास गए ना, देखा इसको, तो बोला, भाई साहब सही में ऑक्स है, और जो ये ऑक्सन बनाया हुआ है ना भाई साहब, यहां पे जो है एक पेस्ट यूज किया गया, कोई पेंट की बजाय, ठीक है, पेस्ट यूज किया गया है, कोई पेंट की बजाय, जो बहुत पुराना है, मतलब उसको पता लग गया था कि कोई ना कोई पुरानी खोज यहां पे हो चुकी है, पुरानी कोई ना कोई जानकारी हमें मिल चुकी है, इसका वो कन्फर्म हो गया था, उसको ये पता चल गया था, और ऐसे में वो कुछ बोल नहीं पाया। कई बार हम होते हैं ना, कुछ ऐसा देख लेते हैं या कुछ सरप्राइजिंग सा हो जाता है या अच्छा हो जाता है, तो कई बार हम बोल नहीं पाते, कई बार डर जाते तब नहीं बोल पाते, कई बार वो नहीं बोल पाते, वो बोल नहीं पाया, ठीक है। और ऐसे में भाई उसके बाद में तो उसने किताब, भाई बोला क्या है, इतना बोला पूरे विश्व को बता दिया, ठीक है, किताब छापी, ठीक है, 2 डिकेड्स की भाई उसने यूरोपियाई, और किताब छापी, बताया कितना पुराना है कितना प्राचीन है, लेकिन यूरोपियाई आर्कियोलॉजिस्ट उसको मानने को तैयार ही नहीं, बोला ना ना ना, इतना पुराना है, इतना बढ़िया पेंटिंग है, इतना नया पेंटिंग है, तुम बनाए होगे हमें लग रहा है, और तुम बोल रहे हो प्राचीन है प्राचीन है। कई दिनों तक तो इसको मानने से भी इनकार कर दिया गया, लेकिन आखिरकार विवश होके इसको मानना पड़ा, और आखिरकार ये एक स्रोत है, या ये हमें बताता है कि अर्ली ह्यूमन बीइंग इस प्रकार की पेंटिंग गुफाओं में बना के जानवरों के बारे में बताता था, उनके शिकार के बारे में बताता था, उनके उपयोग के बारे में बताता था, या कम्युनिकेट कुछ इस तरीके से बताता था, ठीक है, या कम्युनिकेट इस तरीके से किया करता था। बहुत बहुत शुक्रिया वंश, और यही हमें पसंद है भाई, यही तरीका पसंद है कि जिससे आप सबको पसंद आए, ठीक है। तो हमें काफी सारी, इवन मनुष्य के कम्युनिकेट का तरीका आर्ट भी है, कला भी है भाई, कला भी एक कम्युनिकेशन के तरीके में आ जाता है भाई, कला कृतियां या कला करके, जैसे मैं भी यहां पे कम्युनिकेट करूं आपको कुछ समझा कि इधर को जाओ, गो हियर, तो ये मैं कम्युनिकेट ही तो कर रहा हूं, या कोई साइन बना दूं बस कि भाई इधर जाओ तो तुम इधर जाओगे, तुम इधर जाओगे, मतलब अन अकेडमी ऐप की ओर जाओगे, ठीक है, डाउनलोड करो पढ़ो रेगुलर आके। चलिए, तो यहाँ पे काफी सारी पेंटिंगें हमें मिली हैं जो काफी गुफाओं में, क्योंकि मनुष्य माना जाता है शुरू में गुफाओं में रहता था, प्रोटेक्ट करता था अपने आप को ठंड से, जानवरों से, और काफी सारी गुफाएं हमें मिली हैं जहां पे जानवरों की, और मेनली 30 से 12 हजार साल पुरानी, ठीक है, लशको और शोवे, भाई शोवे लशको जो है भाई फ्रांस में ये गुफाएं मिली हैं, कौन सी, लशको और शोवे, ठीक है, ये हमें मिली है फ्रांस में, जहां पे मनुष्य के द्वारा पेंटिंग करके कोई चीज समझाने का या कम्युनिकेट करने का एविडेंस मिलता है। और ऐसा ही एक केव अल्तामीरा स्पेन में भी मिला है, जो माय डियर यहां पे मनुष्य के द्वारा पेंटिंग के थ्रू कम्युनिकेट करने की जानकारी देता है, ये भी है भाई, लशो भाई लैश्को और शोवे जो फ्रांस में है, ये भी एक गुफा है, ठीक है,
केव्स हैं जहां पे हमें कम से कम भी 30,000 से लेके 12,000 साल पुरानी पेंटिंगें मिली हैं, जो फ्रांस में मिली है और अल्तामीरा स्पेन में मिला है, जहां पे मैं आपको बता दूं काफी सारा पेंटिंग हो रखा है भाई। बाइसन को उसको ऊपर पेंट किया गया, जंगली भैंसे को, घोड़े को उसके ऊपर पेंट किया गया है, आइबेक्स को उसके ऊपर पेंट किया गया है, डियर को, ममूत को, राइनोसोरस को, लॉयन को, पैंथर को, हाइना को, आइल को, औल को, मतलब उल्लू को, ठीक है, मतलब जिन जिन लोगों को स्पेन यूरोप में है मैडी, जिन जिन चीजों को वो जानता था, पहचानता था, जानवरों को जानता था, उनको डिपिक्ट करता था, ठीक है भाई, इनको डिपिक्ट करता था या बनाया करता था, या उनके थ्रू उसकी जानकारी देता था, या जिनको जानकारी रखता था उसको समझौता था और अपने आगे आने वाली जनरेशन को समझाता था, या प्रोटेक्ट उसको करके रखता था। वो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहां पे किया करता था, क्यों किया कर क्या किया गया है, क्यों करता था, सारी चीजें कि वो पेंटिंग क्यों करता था, कोई रीति रिवाज था या कोई अपने प्रोटेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए करता था। ये देख लो, ये फ्रांस वाली है, ये फ्रांस वाली जो आपकी लशोक्स वाली, जो आपका लेशको है भाई, उस वाली है। देखो इतने जानवर दिखा रहा है भागते हुए चलते हुए। तो अगली क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगा कि मनुष्य पेंट क्यों करता था, पेंटिंग को कैसे कम्युनिकेट की तरह यूज करने लगा, और आखिरी क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगा यानी कि इसका पार्ट सेवन आएगा, चैप्टर एंड हो जाएगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा, उसमें मैं आपको करवाऊंगा मेरे डियर कि यहां पे जो है वो पेंटिंग का उपयोग मनुष्य किस पर्पस के लिए करता था, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आज भी अर्ली ह्यूमन के जैसे हंटिंग गैदरिंग करने वाले कुछ कबीले, कुछ ट्राइबे, कुछ परिवार आज भी अफ्रीका में रहते हैं, उनका जीवन कैसा है और उसके कंपैरिजन में पुराने वालों का जीवन कैसा है, और क्या हम उनको कंपेयर कर सकते हैं क्या, उनके बारे में भी पढ़ाऊंगा, उनके बारे में भी करवाऊंगा। बहुत मजा आएगा जब हम उन कम्युनिटियों के बारे में, जैसे हज्जा या कुंगसान, ये कम्युनिटियां, ये ट्राइबे हैं वहां की, जिनके बारे में पढ़ाऊंगा, मजा आएगा। ले चलूंगा तुम्हें इतिहास के उस सफर पे, उस निराले सफर पे जिसमें बहुत आनंद आएगा, जिसमें बहुत मजा आएगा। 11th के चैप्टर 12th से, नहीं, हाँ 11th के चैप्टर पर 11 चैप्टर ही तो हैं, 12th के चैप्टर में भाई चैप्टर भी ज्यादा है, ठीक है, तो 11th के चैप्टर लेंदी भी हैं, बड़े भी हैं, चीजें भी ज्यादा है, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें थी मेरे डियर, इनको करना है, इनको पढ़ना है, और अभी थोड़ा पोल कर लेते हैं, थोड़ा क्विज यहां पे कर ले। लेकिन रेगुलर पढ़ने के लिए मैं आपको बता दूं, ये देखिए प्लस साथ ही साथ मैं कुछ क्वेश्चन भी यहां पे दे देता हूं आपको, ठीक है, क्वेश्चन भी आपको दे देता हूं, रुको 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 रुको, और भी क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड करूंगा भाई। व्हेन डिड द स्पोकन लैंग्वेज एमर्ज, एक तो ये, हाउ डिड लैंग्वेज डेवलप, ये भी, ठीक है, टूल्स वाला भी आपको करवाया है, तो कैसे लाइफस्टाइल में 35,000 साल पहले परिवर्तन आया, ये भी क्वेश्चन आपको करना है। गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेकिंग एंड यूज ऑफ स्टोन टूल बाय अर्ली स्टोन टूल, का उपयोग या बनाने के बारे में जानकारी दो। 35,000 में स्पीयर थ्रो या बी बो एंड एरो आया, तो उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ कौन से जानवर जो फ्रांस और स्पेन में पेंटिंग मिली है, कौन से जानवर मिले हैं, और कैसे, व्हाई दिस पेंटिंग वर डन, ये अगले पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा कि पेंटिंग क्यों करी गई थी। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क मान लो, या आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मान लो, इनको प्रैक्टिस आपको करना है। इसका अगला वीडियो संडे को मैराथन है, सबसे बड़ी चीज सुन लो, संडे को पूरा चैप्टर करवाऊंगा एक साथ, दोबारा से रिपीट करूंगा, रिवाइज करवाऊंगा, पूरा चैप्टर बिल्कुल दिमाग में फीड करवा दूंगा संडे को 4 बजे। तो सभी लोगों को पहुंचना है जो मेरी वीडियोस देखते हैं, और कमेंट करके बताना है कि वी विल रीच देयर, और बहुत अच्छा लगा, कैसा लगा कंटेंट, कैसी लगी क्लास, तो ये भी मेरे को बताना है, ये भी आपको करना है, सारी की सारी चीजें करेंगे। चलिए, तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे में आज की क्लास में थोड़ा बहुत क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, ठीक है, क्विज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और क्विज भी बता दीजिएगा, कुछ ही लोग यहां पे रहते हैं, बाद में आप क्विज को देखा जरूर करें, क्योंकि क्विज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है भाई। क्विज के थ्रू मैं आपको बता दूं
कि आपकी चीज़ें रिवाइज होती। चलिए तो मैं पहुंचता हूं क्विज पे, और अगर इसके क्वेश्चन नहीं होंगे तो मैं आपको आपको बताऊंगा, ठीक है? तो इसके क्वेश्चन, हाँ ये लो, टूल वाले पे हैं भाई। अर्लीएस्ट एविडेंस, कपड़े सिलाई हुए एविडेंस हमें कब मिले हैं भाई? जब मनुष्य टूल बनाने लग गया, टूल की मदद से कपड़े सिलने लग गया, इसके शुरुआती एविडेंस, अर्लीएस्ट एविडेंस, सिलाई किए हुए कपड़ों के एविडेंस हमें कब मिलते हैं बताइए, जानकारी दीजिए भाई। प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, बताए भाई। यहाँ पे अर्लीएस्ट सिलाई किए हुए कपड़ों के, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, मुझे पता आप लोग सब लोग बाद में देखते हैं ये वीडियो, अभी कुछ हिट नहीं है, अभी इसके ऊपर 10, 5, 10, 12, 13 लोग लाइव देखते हैं, लेकिन ये वीडियो बाद में बहुत हिट करता है, और फिर लाइक दबाना है, कमेंट करना है। अर्लीएस्ट एविडेंस जो सिलाई किए हुए कपड़ों के हमें मिले हैं भाई, कब मिले हैं जरा बताओ। तो मैं देखता हूं, बी 21,000 साल पहले, बिल्कुल करेक्ट, छे बिल्कुल राइट आंसर छे मेरे डियर, बहुत बढ़िया। बी लाइफस्टाइल वेदांत, बी वेदांत पांडे लाइफस्टाइल ऑफ संत, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बी होगा करेक्ट आंसर, बी होगा राइट आंसर। चलिए बताइए भाई, इनमें से सबसे शुरुआती टूल मेकर कौन सा प्रजाति था? सबसे पहले टूल मेकिंग कौन करता था? अपने काम को आसान करने के लिए टूल मेकिंग के एविडेंस हमें किसके मिले हैं सबसे पहले, किस प्रजाति के मिले, किस स्पीशीज के मिले बताइए, किस प्रजाति किस स्पीशीज के हमें टूल मिले हैं बताएं, बताइए। ए होमो हैबिलस, ना 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 भाई, होमो अर्लीस्ट टूल मेकर वो लैंग्वेज वाला है, लैंग्वेज वाला है। ऑस्ट्रलोपिथेकस के हाथों को देख के या उसके बनाए हुए टूलों को देख के या उसके फॉसिल को देख के हमें पता चलता है कि वो सबसे पहला टूल मेकर था, पर उसके टूल इतने डेवलप्ड नहीं थे, लेकिन वो सबसे अर्ली टूल मेकर का क्रेडिट उसको दिया जा सकता है, ऑस्ट्रलोपिथेकस, ठीक है भाई। टूल कौन कौन बनाता है अपने काम को आसान करने के लिए, टूल कौन कौन बनाता है? टूल बर्ड भी बनाते हैं, चिंपैंजी बनाते हैं, ह्यूमन भी बनाते हैं, लेकिन डेवलप टूल ह्यूमन बनाता है, सब बनाते हैं टूल, टूल यहां पे सब बनाते हैं। तो आज की क्लास आई थिंक बहुत हुई, ठीक है भाई, आज की क्लास बहुत हुई, और भी क्वेश्चन लाऊंगा अगली क्लास में। संडे को हम बहुत सारा पोल भी करेंगे, मेंटी भी करेंगे, ठीक है, मेंटी भी रख लूंगा उसके साथ, एक काम करूंगा उस मैराथन के साथ मेंटी भी रख लूंगा, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत बढ़िया होगा सब कुछ, और बहुत मजा आएगा आपको उस पार्ट के अंदर। तो इसी तरीके से रेगुलर आओ और पढ़ो हिस्ट्री हमारे साथ, क्योंकि अन अकेडमी आप लोगों के लिए बैच पे बैच स्टार्ट कर चुका है। प्रारंभ बैच, लेट्स क्रैक फाइनल एग्जामिनेशन बैच, लेट्स क्रैक ह्यूमैनिटीज बैच, ठीक है, लेट्स क्रैक ह्यूमैनिटीज बैच, नया बैच, रिसेंट बैच, यहां पे अभी जस्ट शुरू किया है 17th को, चैप्टर नंबर 1 का जस्ट 2 पार्ट यहां पे हुए रेगुलर। तो आओ और अन अकेडमी के साथ, नमस्कारम नमस्कारम, अब शुभ रात्रि बोलने का समय आ चुका है, तो आओ और रेगुलर पढ़ो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलो, कमेंट करना ना भूलो। इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे भाई, रेगुलर पढ़ रहे हैं, और ऐसे में काफी किफायती सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी प्रोवाइड कर रहा है, ऑफर भी प्रोवाइड कर रहा है। शुरुआती 1,000 सब्सक्राइबर हो गए फिर ऑफर नहीं मिलेगा, तो ऐसे में अभी जल्दी से आओ अन अकेडमी पे और सब्सक्रिप्शन लो, और 12 पे 2 महीने फ्री पाओ, 16 पे 18, 24 पे 4, 36 पे 5, 48 पे 6। तो जल्दी से आओ, बेहतर आओ और बढ़िया से करो। संडे को होगा मेंटी भी और मैराथन भी, 4 बजे मिलेंगे, सभी लोग वहां पे पहुंचने चाहिए। रिमार्क भाई आप रिमाइंडर लगा लेना, भूल मत जाना सब लोग, ठीक है, रिमाइंडर लगा लेना, याद कर लेना, भूल नहीं जाना भाई, सेशन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, 12, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके 11, 12 पूरी तरीके से पढ़ो, प्लस के साथ, बेहतर नोट्स के साथ, प्रैक्टिस टेस्ट के साथ, बढ़िया से, संडे को धूम मचाएंगे। तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए,
और अन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोड अपना एक ही है जो आपको डिस्काउंट के लिए यूज करना है, AJYD लाइव, ठीक है, वो भी यूज करें और आए अन अकेडमी प्लस पे। तो आज का क्लास का पार्ट 5 था, पार्ट 6 भी जल्दी आएगा, लेकिन संडे को मैराथन है, उसमें पूरा मिल जाएगा आपको। संडे को 4 बजे मैराथन है, उसमें पूरा मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो इसका पार्ट 6 तो लाना ही है, पार्ट 6 आके इसका एंड हो जाएगा। सॉरी, आई थिंक 7th आएगा इसका, 5th ही है क्या। संडे को 4 से देखते हैं कब तक चलता है वो कारवां। मेंटी बैटल भी होगी इसकी मेंटी बैटल भी होगी। सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखेंगे, सेफ रहेंगे, अपने आप को प्रोटेक्टेड रहेंगे, अपने आप को भी, अपने घर वालों को और सबको सेफ आपको रखने की जिम्मेदारी है। कहीं बाहर नहीं जाएंगे, वैसे आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, और रन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करके मेरे को फॉलो करेंगे और प्लस पे अप्लाई करेंगे कोड AJYD10। चलिए, सो बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, बाय एवरीवन। Bye.